नमस्कार, न्यूज फेड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है धान खरीदी के मुद्दे पर, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। रकबा में भी 2020-21 में जो पंजीकृत क्षेत्रफल है वो 27,090,00,000 है और 2019-20 में ये आंकड़ा 26,86,000 था। इस प्रकार से हम देखें लगभग 104 हेक्टर क्षेत्रफल में इजाफा होता है। धान खरीदी के लिए जो छत्तीसगढ़ में नीति है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे उत्तम है और छत्तीसगढ़ के किसानों को सबसे ज़्यादा इसका लाभ है। पिछले वर्ष की तुलना में किसानों की संख्या बढ़ी, रकबा बढ़ा और धान का भी रिकॉर्ड पिछले साल की तुलना में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज की स्थिति में 84,000 मीट्रिक टन और 31 तारीख तक लगता है कि हम 90,00,000 मीट्रिक टन से भी ज़्यादा खरीदी करेंगे। इस प्रदेश में धान खरीदी के लिए कई सुविधाएं किसानों को दी गई। एक तो कोविड के कारण लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनको टोकन सिस्टम दिया गया। पहले से ज़्यादा धान खरीदी केंद्र खोला गया और धान के रख रखाव के लिए इस बार चबूतरे और शेड भी बनाए गए। इस साल के खरीदी में कई प्रकार के दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ा। धान खरीदी की नीति में भारत सरकार को बारदाना देने का रहता है, राज्य सरकार को अपनी आवश्यकता के अनुसार मांग पत्र भेजना रहता है। राज्य की आवश्यकता 4,75,000 गठान की थी, हमने 3.5 लाख गठान हमने 3.5 लाख भारत सरकार से मांगा था। 3.5 लाख गठान में कर रहे थे, करने दीजिए। भारत सरकार ने जो सहमति दिया उसमें 3 लाख गठान देने की बात कही और जब धान खरीदी का समय आया, उसका आपूर्ति का समय आया तो मात्र 1,09,000 गठान दे करके ही अपना हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने लिखित में दिया था कि 1,45,000 गठान हम देंगे, परंतु 1,09,000 गठान में इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। और मैं तो वास्तव में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को उनका जो किसानों के प्रति समर्पण है, लगाव है, उसको सलाम करता हूँ कि बिना बारदाने का, बिना सेंट्रल के बारदाने का भी धान खरीदी यहाँ पर करवा दिया। उन्होंने तय किया कि सेंट्रल चाहे हमको बारदाना दे या ना दे, सेंट्रल चाहे हमको जितना वादा के अनुसार बारदाना भेजे या ना भेजे, हम किसानों के साथ खड़े हैं और हर परिस्थिति में उनका उपज खरीदा जाएगा। उन्होंने तय किया कि इस बार हम पुराने बारदाने को इकट्ठा करके धान खरीदी करेंगे, मिलर से, पीडीएस से, किसानों से बारदाने इकट्ठा करा करके, और जो अंतर था उसको प्लास्टिक के बारदाने से खरीदी करा करके पूरा किया। कैसे छोड़ दिया? मिलर से 2 लाख गठान, पीडीएस से 1 लाख गठान,
प्लास्टिक के 70,000 गठान और लगभग 40,000 गठान किसानों से लेकर के हमने धान खरीदी किया। इस धान खरीदी के पूरे एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो भूमिका रहा वो पूरी तरह से संदिग्ध रहा, चाहे वो बारदाने के आपूर्ति को लेकर के या समर्थन मूल्य में धान खरीदी को लेकर के। सेंट्रल ने हमको 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की बात की सहमति FCI में जमा करने के लिए दिया और सहमति देने के बाद यू टर्न लेते हुए उसको 24 लाख मीट्रिक टन कर दिया। इस प्रकार से भारत सरकार के यू टर्न लेने से छत्तीसगढ़ के किसानों का और हमारे राज्य सरकार का दिक्कतें बढ़ी है। पुनः हम उनसे आग्रह करेंगे कि जो 60 लाख मीट्रिक टन था उसको बहाल करें और छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ न्याय करें। भारतीय जनता पार्टी के साथी दो तरह की बात कर रहे हैं, एक तरह तो छत्तीसगढ़ में जो MSP में धान बिक्री कर रहे हैं, दूसरा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ ले रहे हैं और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट के भारत सरकार के जो 3 कृषि कानून है उसका तरफदारी भी कर रहे हैं। जो भारत सरकार का 3 कृषि कानून है वो शासकीय खरीदी को रोकता है और निजी मंडी के तरफ उनको प्रेरित करता है। तो छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुई है लेकिन उसमें बारदाने की कमी को लेकर केंद्र की सरकार को घेरा गया है।